लीजा ने पीछे मुड़कर देखा और राक्षस को अपने पीछे खड़ा पाया। वो बहुत घबरा गई है और वो डेविड से मदद मांगती है, पर डेविड कहता है कि राक्षस अभी भी खिड़की के बाहर है और उसे उस पर नजर रखनी है। अब लीजा धीरे धीरे राक्षस से बचती है। राक्षस लीजा को देख रहा होता है। उसने ड्रॉयर से एक टेप निकाला और धीरे से उसे राक्षस की आंखों के करीब ले गई। लीजा को लगता है कि इससे राक्षस हमला नहीं करेगा। उसने डेविड को खिड़की के बाहर राक्षस पर नजर रखने के लिए कहा और लीजा ने अपने पापा को फोन करने के लिए राक्षस से नजर हटा ली, पर अगले ही पल राक्षस लीजा पर झपट पड़ा और दोनों हाथों से उसकी आंखें पकड़ ली। डेविड ने अपने पीछे आवाज सुनी और राक्षस को लीजा से बचाने भागा, लेकिन गलती से राक्षस की आंखों से टेप हटा दी। तभी लीजा के पिता वहां पहुंच गए। उन्होंने राक्षस को देखा और एक मिरर को निकाला और उसे उसके चेहरे के सामने ले गए। राक्षस ने खुद को मिरर में देखा और वो डर कर मिरर के अंदर चला गया और लीजा के पिता ने तुरंत वो मिरर तोड़ दिया।